आगे दो दिनों से लगातार हो रही बारिश का कहर जारी है। राजधानी रांची में जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तेज हवा और बारिश की वजह से लालपुर थाना के पास एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इसका जायजा लिया संवाददाता दीपक उराव ने। गुरुवार से हो रही लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लोगों के घर में, मकान में, दुकान में पानी घुस जा रहा है। इससे लोगों को कई तरह के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से कई विशाल पेड़ भी जो है सड़क पर धराशायी हो गई है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लालपुर थाना के समक्ष एक विशाल पेड़ सड़क पर ही गिर गया। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। और रांची नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर पेड़ को हटाने की जो कवायद है वो कर रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कह सकते हैं कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जब पेड़ यहाँ पे गिरा, लेकिन जब पेड़ गिरा उस वक्त ऐसी कोई घटना नहीं घटी और ना ही किसी तरह का कोई हताहत हुआ। तो यह एक कह सकते हैं कि शुक्र रहा कि ऐसी चीजें नहीं हुई, लेकिन पेड़ जब सड़क पे गिरा तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क पर आवागमन दिन भर होता है, भीड़ काफी होती है। ऐसे समय पे अगर पेड़ गिरे तो जाहिर सी बात है कि कोई इसकी चपेट में आ सकता था। खास तौर पे बिजली, जो चालू बिजली है, वो बिजली के खंभे यहाँ पे है और तार जब अगर प्रभावित होता तो जाहिर सी बात है कि इससे लोगों को बड़ी नुकसान होने की संभावना थी। देखिए, जहाँ पेड़ का जो जड़ है, यहाँ पे एक झोपड़ी जो था यहाँ पे बना हुआ था और इस झोपड़ी में ये लोग रह रहे थे। हालांकि उस वक्त ये झोपड़ी से बाहर निकल गए थे, यही वजह है कि किसी तरह का दुर्घटना या फिर पेड़ गिरने से इसके चपेट में ये लोग आने से बच गए हैं। लेकिन अब इन लोगों को चिंता सता रहा है कि अब ये लोग कहाँ अपना आशियाना बना करके रहेंगे, क्योंकि पेड़ जब गिरा और इनकी झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुआ तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को इस बरसात के मौसम में कहाँ रहना होगा, इसकी चिंता अब इन लोगों को सता रही है। और फिलहाल जो है आवागमन पूरी तरह से बाधित है और पेड़ को काट करके यहाँ से हटाने की जो कोशिश है, जो काम है, वो किया जा रहा है। सहयोगी विकी के साथ मैं दीपक उराव, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।